कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस के साथ हुआ भेदभाव। ये भेदभाव वहां के लोगों ने नहीं बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने ही किया। जिस ग्रुप का हिस्सा दीपिका पादुकोण थी, उस ग्रुप में इस एक्ट्रेस को शामिल नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात, ये पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस के साथ इस तरह का भेदभाव हुआ हो। पिछली बार भी जब ये एक्ट्रेस कांस फिल्म फेस्टिवल में गई थी और रेड कार्पेट पर वॉक किया था, तो एक बड़ी मैगजीन जो सालों से इंडस्ट्री में गॉसिप का काम कर रही है, उसने इस एक्ट्रेस के लिए कहा था कि ऐसा लग रहा है इस एक्ट्रेस को कांस में देख कर कि चांदीवली स्टूडियोज़ भी अब कांस का ही हिस्सा है, जिसके बाद इस मैगजीन को बुरी तरह स्लैम किया गया था। हिना खान की मैं बात कर रही हूँ। हिना खान इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस है जो टीवी और फिल्मों दोनों में काम कर रही है, और हिना खान कांस फिल्म फेस्टिवल में पहुँची थी अपने पोस्टर को रिलीज़ करने। इसी बीच हिना खान ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बताया कि जिस वक्त दीपिका पादुकोण, तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े ये सभी एक्ट्रेस मामे खान के गाने पर डांस कर रही थी घूमर घूमर, उस वक्त हिना खान क्यों मौजूद नहीं थी। इस पर हिना खान ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हमारी इंडस्ट्री में एक अलीट सिस्टम चलता है, यहाँ पर उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो अलीट क्लास को बिलोंग करते हैं। जाहिर सी बात है, हिना खान को पिछली बार चांदीवली स्टूडियो से कंपेयर किया गया था, तो इस बार भी इस तरह के अलीट ग्रुप से उन्हें अलग रखा गया। हिना खान ने कहा कि मैं उस जगह का हिस्सा होना चाहती थी, मैं रेड कार्पेट पर हूँ, मैं इंडिया से ही हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं इंडियन पेविलियन का ही हिस्सा नहीं। मुझे भी इच्छा थी कि मैं उस घूमर डांस पर डांस करती, उन्हें चीयर करती, एटलीस्ट ऑडियंस का हिस्सा तो बन ही सकती थी। जिस इवेंट में सिंगर्स आ रहे हैं, दूसरे आर्टिस्ट आ रहे हैं, फिल्म स्टार्स के अलावा भी, उस इवेंट में मुझे शामिल नहीं किया गया, उस बात ने दुख तो पहुँचाया। हालांकि हिना खान ने यह भी कहा कि सेलिब्रिटीज़ के लिए नहीं बल्कि ये बात उन लोगों के लिए है जो इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, एटलीस्ट ये तो ध्यान रखो कि इंडिया से और कौन कौन लोग पहुंचे हैं कि उन सभी को इस तरह के इवेंट में शामिल किया जाए। तो जहां एक तरफ कांस में हिना खान भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने गई, वहीं सो कॉल्ड अलीट क्लास जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से वहाँ पहुँची थी, उन्होंने हिना खान को इन्वाइट तक नहीं किया। ये एक और भेदभाव इंडस्ट्री का दिखा, इस बार नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर, कि कैसे जहां पर एक पूरा इंडियन ग्रुप खड़ा है और वो लोग साथ में कोई इवेंट कर रहे हैं, वहां पर हिना खान को बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि शायद वो दीपिका पादुकोण जितनी बड़ी स्टार नहीं है, शायद वो टीवी से फिल्मों की तरफ रुख कर रही है। इसलिए तो सुशांत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में कदम कदम पर याद दिलाया जाता है, और ये इंडस्ट्री वाले याद दिलाते हैं कि आप उतने अलीट नहीं हो या आप उतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते कि आप हमारे साथ इवेंट का हिस्सा हो। बट हिना खान की अपनी पहचान है, और बहुत बड़ी बात है कि हिना खान इस लेवल पर आकर टाइम टाइम पर इंडस्ट्री के इस डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करती है।